हेलो दोस्तों, आप भी अगर सैमसंग M11 का मोबाइल यूज़ करते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को इस मोबाइल के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आप अपने मोबाइल की किसी भी प्रॉब्लम को चेक कर सकते हो कि आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई। जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल के बटन्स को चेक कर सकते हो या दोस्तों कैमरे को चेक कर सकते हो, टॉर्च को चेक कर सकते हो, सब दोस्तों आप अपने यहाँ पर डिवाइस को सिस्टम को चेक कर सकते हो इस फीचर की हेल्प से। इससे दोस्तों आपके मोबाइल में पता भी चल जाएगा कि आप मोबाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई। ये फीचर दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है। कहां पर दोस्तों आपके मोबाइल में ये फीचर देखने को मिलता है, कैसे आपने इसका यूज करना है, वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों आप सभी ने बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाना और यहां पर दोस्तों आप सभी के मोबाइल में एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, बैटरी एंड डिवाइस केयर। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना और सबसे लास्ट में दोस्तों आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है, डायग्नोस्टिक्स। इस वाले दोस्तों फीचर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपने अपने मोबाइल का इंटरनेट को ऑन कर लेना और यहां पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं आपके मोबाइल में दोस्तों आपका सैमसंग का अकाउंट बना होना चाहिए, फिर दोस्तों ये आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक ही काम करने लगता है। तो यहां पर दोस्तों आप चेक कर सकते हो, जैसे सिम कार्ड को चेक कर सकते हो, एसडी कार्ड को चेक कर सकते हो, जो मर्जी दोस्तों जैसे बटन हो गए, टच स्क्रीन हो गई, स्पीकर हो गए, सब कुछ दोस्तों अपने मोबाइल का जो भी दोस्तों सिस्टम में आपके सब कुछ होता है वो सब दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहां पर मैं अपने मोबाइल की जो टच स्क्रीन है उसको चेक करना चाहता हूं, तो यहां पर दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने कुछ डिवाइस में यहां पर आ रहा है। तो इनको दोस्तों फिलअप करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके मोबाइल में सब कुछ दोस्तों यहां पर जो इसमें भी दोस्तों यहां पर आपके टच में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पर दोस्तों ये इस तरह से ब्लू ब्लू नहीं होगा। अगर टच में कहीं भी दोस्तों आपके प्रॉब्लम है तो यहां पर दोस्तों ब्लू नहीं होगा, यहां पर व्हाइट व्हाइट यहां पर रह जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी टच को भी यहां पर मोबाइल के चेक कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों आपने भी अपने मोबाइल में अपने मोबाइल की टच को चेक करना है अगर दोस्तों आपके मोबाइल में भी अगर टच की प्रॉब्लम आई हुई है। तो यहां पर मैं आपको सभी को ये प्रॉब्लम दोस्तों चेक करवा रहा हूं। मेरे मोबाइल में दोस्तों टच की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। यहां पर दोस्तों लिखा भी आ चुका है और यहां पर दोस्तों अब थोड़ी देर में देखेंगे तो यहां पर टिक भी हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल के सिस्टम में जितने भी दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल रहा है सभी को दोस्तों यहां पर चेक कर सकते हो। कैमरे को चेक कर सकते हो, माइक को चेक कर सकते हो, सभी को दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद दोस्तों 10 सेकंड लेगा, 10 सेकंड के बाद दोस्तों यहां पर चेक करके ऑटोमेटिक ही बता देगा कि आपके डिवाइस में यहां पर इस माइक वाली ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं माइक भी दोस्तों थोड़ी देर में यहां पर यह टिक हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आपने सभी मोबाइल में यहां पर स्पीकर को भी चेक कर लेना है। अपने मोबाइल में दोस्तों यहां पर आप सबको यहां पर टेस्ट कर सकते हो, किसी में दोस्तों आपकी प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई है। तो यहां पर देख सकते हैं केबल चार्जिंग की भी ऑप्शन दी हुई है। आपके दोस्तों मोबाइल में सिस्टम में जितने भी यहां पर ऑप्शन होते हैं सभी दोस्तों यहां पर अवेलेबल है। तो एक एक को कर दोस्तों आप चेक कर सकते हो अगर दोस्तों आपके यहां पर किसी में भी प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आई भी हुई है उसको भी दोस्तों यहां पर आप चेक कर सकते हो, सेंसर को चेक कर सकते हो, जो मर्जी दोस्तों यहां पर अपने डिवाइस में आप चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि कहीं पर दोस्तों कोई इशू तो नहीं आया हुआ। तो आई होप दोस्तों आज का ये फीचर आप सभी को बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। तो वीडियो को दोस्तों आपने लाइक करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मिलता हूं किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय।